प्लीज डोंट राइट एनी थिंग ऑन द स्क्रीन. आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू मैंशन थिंग्स ऑन द बेयर एट. सो प्लीज डोंट यूज योर पेन ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट एज इन that I could not take the classes during the weekdays, and thanks to all of you for agreeing for the weekend sessions. Thank you so very much. Are you all able to hear me? Am I audible to all of you? क्या आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? You can write in the chat room if you don't want to speak. Yes, please write in the chat room. Okay, great. Wonderful. All right. See, this is how you can show your participation. Just in case you want to unmute yourself and speak something, please raise your hand and then you can speak up whatever doubt, whatever question you will have. All right? Okay. See, the subject with which we are going to start today is voice नहीं आ रही. मृगांक, I think you are facing this problem because maybe there is some internet issue at your place. Please check all of you. सब confirm करिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं. जिसको नहीं आ रही वो अपने एंड पर एक बार चेक करे प्लीज. So I am receiving messages from Bharti. Khushi has messaged me. Then Aparna has messaged me. Ritu has messaged me. So that means to the majority when I'm audible, it means ki mere end se koi problem nahi hai. Mrigank, ek bar aap check kariye please. Okay. Chaliye, theek hai. Right. So first, I would want to tell you the subject with which we are going to deal with. We are going to deal with CPC. और CPC start करने के बाद हम लोग discuss करेंगे Indian Evidence Act. Right? So as I welcomed you all to JJC, Jatin Judiciary classes. तो अब हम start करते हैं with the subject. How many of you have completed law? These are some basic questions why I'm asking. So that you know, at least I get to know a little about you all, right? We have a long way to go together, so it's better that I know about you all. Or how many of you have completed law? Yes, this is the very first class of CPC, Aparna, and as I told earlier, that you know, because of some my pending works, I could not keep the classes during the weekdays. Aur abhi hum weekend mein hi class rakhenge CPC aur evidence ki. I hope that's fine with everyone. All right, okay. So this year you completed law. Please don't write anything on the screen. Don't write. I am the one who is allowed to write, not you all. Okay. चलिए ठीक है. सो लेट मी बिगिन विद द सब्जेक्ट नाउ. द सब्जेक्ट विद विच वी आर गोइंग टू डील टुडे इज सीपीसी. और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मैं कुछ पहले बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगी. आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जिससे आप लोग सबको एक क्लैरिटी हो कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, ओके 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 अपन्ना. तो देखो यहाँ पर, सी व्हेन वी टॉक अबाउट लॉज, जब हम बात करते हैं लॉज की, तो हम लॉज को कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर टू हेड्स. हम लॉज को डिवाइड कर सकते हैं दो तरीकों में. एक है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ. ओके, तो जब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉज की, तो सब्सटैंटिव लॉज वो लॉज हैं जो आपके राइट्स
और आपकी लायबिलिटीज डिटरमिन करता है। ओके, तो सब्सटेंटिव लॉस कौन से हुए? जो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमिन करता है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स हियर फॉर सब्सटेंटिव लॉ, तो यहाँ पर द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी गिवन आर, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आईपीसी, द वन विच यू आर स्टडिंग, राइट? आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। फिर हम बात करें तो फैमिली लॉज, जो हम पढ़ेंगे आगे, फैमिली लॉज में हम हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों कवर करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। तो यानी कि सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं? आपके राइट्स डिटरमिन करते हैं कि अगर आपने मैरिज करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या आपकी मैरिज में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, तो आप क्या रेमेडीज अवेल कर सकते हो, दैट इज मेंशनड इन सब्सटेंटिव लॉ, राइट? यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मैक्सिम यू बी जस इबी रेमीडियम, है ना? आपने सबने सुना होगा इस मैक्सिम के बारे में। और यू बी जस इबी रेमीडियम का मतलब क्या होता है? यू बी जस इबी रेमीडियम का मतलब है, वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको ये सारे राइट्स दे तो दिए, लेकिन इनके वायलेट होने पर, इनके इन्फ्रिंज होने पर आपको इनकी प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो क्या इन राइट्स का कोई फायदा होगा? द आंसर इज नो। सो व्हाट वी विल डू इज कि इन सब्सटेंटिव लॉज के लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉ भी है। तो जहाँ पे आपका राइट है ना, और आपको रेमेडी अवेलेबल है, तो आप उस रेमेडी को अवेल कर सकते हो थ्रू द प्रोसीजरल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट विद विच वी आर गोइंग टू डील, सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। द नेक्स्ट सब्जेक्ट विद विच वी विल डील, इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो सीपीसी एक एग्जाम्पल हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट एक एग्जाम्पल हो गया, देन सीआरपीसी इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ। एंड वाई दीज आर प्रोसीजरल लॉज? क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो डैमेजेस क्लेम करने हैं, ये आपको सब्सटेंटिव लॉ बताता है, पर आपको कोर्ट में केस फाइल करना कैसे है, ये आपको प्रोसीजरल लॉ बताता है, राइट? तो अब हम जब सीपीसी की बात करते हैं, तो आपको ये तो मालूम चल गया कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, राइट? और जितने भी सिविल केसेस होंगे वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू सीपीसी ही गवर्न करे जाएंगे। यानी कि आपका कोई भी सिविल डिस्प्यूट हुआ, प्रॉपर्टी मैटर हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर हुआ, फैमिली डिस्प्यूट हुआ, कोई भी मैटर है, तो आप वहां पर सीपीसी के अकॉर्डिंगली अपना केस इंस्टीट्यूट करोगे, ठीक है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीपीसी ओनली, तो सीपीसी इज द ओनली कोड जहां पर आपको पता है सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों ही पार्ट्स मेंशन है, दोनों पार्ट्स। सो व्हेन आई से सब्सटेंटिव पार्ट भी है सीपीसी में, प्रोसीजरल पार्ट भी है सीपीसी में, तो इसका क्या मतलब है? देखो, सीपीसी यू मस्ट ऑल बी अवेयर ऑफ कि सीपीसी आपके सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स, इन तीनों चीज में डिवाइडेड है। अच्छा, क्लास में किस किस के पास आज बेयर एक्ट है? आई थिंक मुझे ये पूछना चाहिए किसके पास बेयर एक्ट नहीं है, जरा प्लीज आंसर करिए, किसके पास बेयर एक्ट नहीं है क्लास में? अपर्णा डज नॉट हैव, ओके, हु एल्स? कोई बात नहीं, हु एल्स? खुशी डज नॉट हैव, ओके। तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिना बेयर एक्ट के बैठे हुए हैं, पर मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही बेयर एक्ट स्क्रीन पर ओपन करा है, पर मेरी ये सजेशन है दैट प्लीज डोंट ट्राई टू रीड दी सब्जेक्ट्स विदाउट बेयर एक्ट। तो नेक्स्ट क्लास से अपनी बेयर एक्ट जरूर रखिएगा। तो सीपीसी, एज आई जस्ट टोल्ड यू, इसमें सेक्शंस भी हैं,
इसमें ऑर्डर्स भी हैं और इसमें रूल्स भी हैं, ठीक है। तो आपको पता है सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स, ये तीन चीज़ें क्यों बनाई गई? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ सिर्फ आर्टिकल्स हैं या शेड्यूल्स हैं। सीआरपीसी पढ़ा तो वहाँ पे सेक्शंस हैं और शेड्यूल हैं। अभी आप आईपीसी पढ़ रहे हो तो सिर्फ वहाँ सेक्शंस हैं। तो सीपीसी में ही क्यों सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स हैं? वो इसीलिए क्योंकि सीपीसी खुद ब खुद सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ में डिवाइडेड है। तो सब्सटैंटिव पोर्शन जो है वो सेक्शंस हैं सीपीसी में, और आपको पता है देर आर 158 सेक्शंस इन सीपीसी, राइट। और जब हम बात करते हैं ऑर्डर्स की, जब हम बात करते हैं रूल्स की, तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर्स और रूल्स जो हैं वो प्रोसीजरल पोर्शन है सीपीसी का। तो कितने ऑर्डर्स हैं? 51 ऑर्डर्स हैं, और हर ऑर्डर में रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स तो यानी कि ऑर्डर का मतलब है सिर्फ हेडिंग, और उसमें जो रूल्स कंटेंड है ना वो आपको प्रोसीजर बताता है दैट दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। तो आपको सीपीसी के बारे में ये पता चला कि इसमें सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल पोर्शन दोनों हैं। सेकेंडली 158 सेक्शंस हैं और प्रोसीजरल लॉ है, तो इसमें प्रोसीजर पोर्शन कहाँ मेंशनड है? ऑर्डर्स में और रूल्स में मेंशनड है, ठीक है। अब किसी भी बैराट को लर्न करने का तरीका, देखिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, उसे भी आप लोग साथ साथ फॉलो करिएगा। किसी भी बैराट को लर्न करने का तरीका होता है उसके इंडेक्स पेजेस को पढ़ना, राइट। सो व्हाट वी विल डू टुडे इज कि हम सीपीसी का ना पहले इंडेक्स पेज देखेंगे आज, कि इंडेक्स में इन्होंने किस तरीके से सीपीसी को ड्राफ्ट किया हुआ है, सो दैट वी गेट टू नो द फॉर्मुलेशन ऑफ सीपीसी, कि सीपीसी कैसे बना हुआ है, कैसे ड्राफ्टेड है। सीपीसी के ड्राफ्टमैन का नाम है अर्ल रिचर्ड्स, ठीक है। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? अर्ल रिचर्ड्स ने ड्राफ्ट किया था। और एक बात, सीपीसी में जब हम सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स पढ़ेंगे तो कहीं कई जगह पर पढ़ाने का तरीका होता है कि पहले सेक्शंस पढ़ा दिए जाते हैं और फिर ऑर्डर्स पढ़ाए जाते हैं, पर हमारी जो मेथडोलॉजी होगी क्लास में वो होगी कि हम सेक्शंस और ऑर्डर्स को साथ साथ लेकर चलेंगे, राइट। तो इसका मतलब कि अगर एक सब्सटैंटिव पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 26, देखो सेक्शन 26 में क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यही लिखा है ना। तो सेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए हम पढ़ते हैं ऑर्डर 4। तो सेक्शन 26 जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्डर 4, राइट, ऑर्डर 4। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या है, और उससे पता चलेगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या है। बट बिफोर गेटिंग टू ऑल दिस, पहले हम ये समझते हैं कि सीपीसी में हम जो केस फाइल करने लगे हैं उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, कैसे केस जो है वो इनिशिएट किया जाएगा, व्हाट इज़ द ग्राउंड फॉर इट, और कैसे सीपीसी हम पूरा एक बारी गो थ्रू करेंगे इन अ टैबुलर वे, राइट, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? प्लीज़ कीप टाइपिंग इन द चैट रूम सो दैट आई गेट टू नो that you are listening to me, yes or no? If it is clear to all of you, please write yes. If it is not clear, write no. Very good, okay. Yes, I want an answer from everyone, everybody. Great, okay, all right. So now when I say that, let us understand, you know, what CPC has to say. CPC आपको बता क्या रहा है कि भाई, like I'll give you one instance, okay? आप यहाँ पे ना समझ पाएंगे कि हम CPC को approach करते कैसे हैं। जैसे suppose A और B का एक contract हुआ, ठीक है। अब ए और बी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सामान खरीदने का, बेचने का, उसके बदले में पैसे देने का, व्हाटएवर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन,
तो लेट्स से ए ने अपना पार्ट कर दिया, लेकिन जब बी की बारी आई ना परफॉर्मेंस की, पेमेंट करने की, तो बी ने अपना पार्ट प्ले नहीं करा. तो यहाँ पर ए ए के साथ क्या हुआ, अ कॉज ऑफ एक्शन अरोज. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब कि यहाँ पर एक डिस्प्यूट अराइज हुआ ए और बी के बीच में, जिसकी वजह से ए उस रेमेडी के लिए कहाँ जाएगा, ही विल गो टू द कोर्ट, राइट. वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाने के लिए उसे क्या क्या चीज़ें कंप्लाई करनी होंगी, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू नाउ टेल यू. तो इसका मतलब है कि जब भी आपको कोर्ट अप्रोच करना है, यू हैव टू हैव अ फैक्ट एंड इशू. फैक्ट एंड इशू का मतलब, नाउ दिस इज़ द टर्म विच वी यूज इन इंडियन एविडेंस एक्ट, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसीलिए मैं वो टर्म्स यूज कर रही हूँ जिससे आप सीपीसी और एविडेंस को थोड़ा मिला जुला के पढ़ सके, ठीक है. तो अब हुआ क्या, जब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ कि ए ने परफॉर्म कर दिया लेकिन बी ने अपना पार्ट प्ले नहीं करा, सो दिस गेव अ कॉज ऑफ एक्शन टू ए. तो इसने क्या दिया, ए को एक कॉज ऑफ एक्शन दिया. कॉज ऑफ एक्शन मीन्स बंडल ऑफ फैक्ट्स विच गिव राइज टू योर कॉज ऑफ एक्शन. तो यहाँ पर ए अप्रोचेस द कोर्ट ऑफ लॉ. अब ए गया कोर्ट ऑफ लॉ के पास विद अ कॉज ऑफ एक्शन, राइट. अब जब ए कोर्ट के पास जाएगा कॉज ऑफ एक्शन लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि सीपीसी में एक सेक्शन 9 है. सेक्शन 9, पता है सेक्शन 9 में क्या लिखा है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर. और सूट्स ऑफ सिविल नेचर का मतलब कि जितने भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स होंगे, यानी कि जितने भी सिविल मुद्दे होंगे, वो सारे फाइल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सीपीसी और वो कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं सिविल कोर्ट्स में. तो मैं ये कह सकती हूँ कि सेक्शन 9 इज अ गेट वे टू एंटर सीपीसी. तो अगर आपका कोई इशू अराइज हुआ, कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 9 ये चेक करेगा कि क्या आपका सिविल डिस्प्यूट है. अगर सिविल डिस्प्यूट है तो ही आपको सीपीसी सेक्शन 9 में एंट्री मिलेगी कोर्ट के अंदर. ये क्लियर हुआ. तो इसका मतलब सेक्शन 9 टेस्ट करता है वेदर द मैटर इज अ सिविल डिस्प्यूट और अ क्रिमिनल डिस्प्यूट, राइट. अगर ए ने बी का मर्डर किया होगा तो आप खुद सोचो कि क्या आप सिविल कोर्ट जा सकते हो, नहीं. तो ये एक्सप्रेसली बार्ड है सेक्शन 9 में, ठीक है. तो अब ए कॉज ऑफ एक्शन के साथ सेक्शन 9 के थ्रू सिविल कोर्ट के पास चला गया, राइट. अब वो कोर्ट में जाकर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू इंस्टीट्यूट अ सूट. व्हाट विल ही डू, ही विल इंस्टीट्यूट अ सूट. अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब, देखो सूट का मतलब होता है अ सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. तो जितने भी आपके सिविल केसेस होते हैं ना, वहाँ पर प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पेटिशनर, रिस्पोंडेंट, यही सब टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हो. तो हुआ क्या, अब आपने सूट इंस्टीट्यूट करा और किसमें, अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी टू बी रेड विद ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी. Is somebody facing some problem in joining and staying back? Because I think somebody is leaving and joining. Kisko problem ho rahi hai? Okay, koi baat nahi. Aap aaram se baitho class mein, theek hai? Acha, I've got a message. Yeah. सूट का मतलब होता है अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. तो यानी कि सूट का मतलब है कि आपने एक सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया, सिविल प्रोसीडिंग को अंडर सीपीसी बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. तो जैसे अपर ना, मैंने अभी क्या कहा, सिविल केसेस में प्लेंटिफ होता है और प्लेंटिफ किसके अगेंस्ट केस फाइल करता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट. तो इसका मतलब कि प्लेंटिफ को, नो प्रॉब्लम मनोज, नो प्रॉब्लम, आप आराम से, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव इफ इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप
कोई बात नहीं, बट डू रीजॉइन द क्लास, ओके। तो प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है, तो प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करके सूट इंस्टीट्यूट करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो अंडर सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि जो आपकी प्लेंट होती है ना, दिस इज टू बी इन कंप्लायंस विद ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी, क्योंकि ऑर्डर 6 में क्या लिखा है, प्लीडिंग्स। और आप लोगों ने जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर ली है तो आपको पता होगा कि प्लीडिंग्स, आपके एक एग्जाम भी होता है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग, तो प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो जो भी प्लेंट ड्राफ्ट होगी वो ऑर्डर 6 में जितने रूल्स मेंशनड हैं, ऑर्डर 7 में जितने रूल्स मेंशनड हैं, उन सबको कंप्लाई करके ही प्लीडिंग्स फाइल की जाती है कोर्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 का हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने 3-4 स्टेप्स डिस्कस करे। सबसे पहला स्टेप है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन के बाद ये डिटरमिन किया जाएगा कि भाई आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर भी सकते हो या नहीं, और ये चेक कौन करेगा, सेक्शन 9 चेक करेगा, राइट। अगर आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो तो आपको अपना सूट इंस्टीट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एंड टू बी रेड विद ऑर्डर 4, राइट। और सूट का मतलब क्या बताया, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा सूट चल रहा है कोर्ट में, मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, सो दिस इज नथिंग बट यू हैव फाइल्ड अ डिस्प्यूट अगेंस्ट द अदर पार्टी। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 26 टू बी रेड विद ऑर्डर 4। तो सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, प्लेंट फाइल हुई, और मैंने आपको कहा कि प्लेंट के लिए आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को कंप्लाई करना होगा, राइट। तो ये आप थर्ड पॉइंट के साथ ही ध्यान रखना। अब जब आपने प्लेंट के लिए अप्लाई, जब आपने प्लेंट फाइल करी कोर्ट में, तो आपको क्या करना है, उसी प्लेंट में आप अपनी प्रेयर मेंशन करोगे। प्रेयर का मतलब कि आप कोर्ट को बताओगे कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से फ्रॉम दी अदर पार्टी। तो प्रेयर में आप क्या लिखोगे, ऑर्डर 2 के बारे में। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि ऑर्डर 2 में क्या है, ऑर्डर 1 में क्या है। ऑर्डर 2 में लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ सूट। फ्रेमिंग ऑफ सूट का मतलब, देखो कोर्ट आपसे ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें कोई भी डिस्प्यूट है ना, तो तुम एक बारी में हमसे मांग लो, एक बारी में हमसे मांग लो। ये ना हो कि आप बार बार हमारे पास आ रहे हो और कह रहे हो कि हमें रिलीफ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम, विच मीन्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। और भी एक आदि मैक्सिम है, जैसे विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस ज्यूरा सबवीनियंट। तो इसका मतलब लॉ हेल्प्स ओनली दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, नॉट दोज हु आर स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। सो फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट टू फाइल अ केस अगेंस्ट बी और मुझे 10 रिलीफ चाहिए, तो क्या मैं उन 10 रिलीफ के लिए अलग अलग जाकर केस फाइल करूँ? द आंसर इज नो। आपको जो भी रिलीफ चाहिए अगेंस्ट बी इन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, लॉ ये कहता है कि आप एक बारी में ही मांग लो, ठीक है। तो प्रेयर का मतलब कि आप यहाँ पर अपना रिलीफ क्लेम करोगे, और इसे ही हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट, राइट। अब जब प्लेंटिफ ने बता दिया मुझे कोर्ट से क्या चाहिए, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब ऑपोजिट पार्टी को बुलाया जाएगा, और ऑपोजिट पार्टी को बुलाने के लिए हम क्या इशू करते हैं, समन्स। व्हाट डू वी इशू, समन्स। और समन्स कहाँ मेंशनड है, दिस इज मेंशनड इन ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी समन्स वहाँ मेंशन है। तो समन्स में जब हम ऑर्डर 5 में और इसके अंदर सेक्शंस हम पढ़ते हैं, सेक्शन 27 टू बी रेड विद सेक्शन 27 टू सेक्शन 32। तो ऑपोजिट पार्टी को समन्स दिया जाएगा। अब ऑपोजिट पार्टी कौन है, डिफेंडेंट है ना। अब डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में, क्योंकि उसे हमने इनविटेशन देकर बुलाया है कोर्ट में। तो यहाँ पर वो कोर्ट में आने के बाद अपना रिप्लाई फाइल करेगा टू द प्लेंट, और इसे हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट।
तो रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी. ऑर्डर 6 क्या था? प्लीडिंग्स. क्योंकि प्लीडिंग्स का मतलब क्या है? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट. और ऑर्डर 8 में क्या है? रिटन स्टेटमेंट. तो प्लीडिंग्स के जितने रूल्स हैं, WS के जितने रूल्स हैं, वो सब के सब फॉलो किए जाएंगे. राइट. तो अभी तक मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए, ठीक है, ये सबको क्लियर. अब रिटन स्टेटमेंट के बाद व्हाट विल नाउ हैपन? अब WS तो फाइल हो गई, लेकिन नेक्स्ट डेट पर कोई पार्टी आएगी या नहीं आएगी, या डिफेंडेंट आया या नहीं आया, तो इसका मतलब है दैट वी आर गोइंग टू सी whether parties appeared, appearance और नॉन appearance ऑफ parties. भाई अगर प्लेंटिफ ने केस फाइल करा और प्लेंटिफ ही कोर्ट नहीं आया तो क्या होगा? केस डिसमिस कर दिया जाएगा. और अगर डिफेंडेंट नहीं आया, तो वहाँ पर प्लेंटिफ के फेवर में एक्स पार्टे डिक्री करी जा सकती है. ठीक है, राइट. तो अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज कहाँ मेंशन्ड है? ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी में. यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में अपर्णा, इसका सिर्फ मतलब ये है कि जब हम ऑपोजिट पार्टी को समन्स देकर बुलाते हैं ना कोर्ट में, तो यहाँ पर उसे प्लेंट का जवाब तो देना है ना. जैसे मैंने अपनी प्लेंट में ये एलिज करा कि अपर्णा ने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. तो अब जब अपर्णा को हमने समन्स देकर कोर्ट में बुलाया, तो यहाँ पे WS में आप अपने जवाब में क्या लिखोगे कि जज साहब मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. तो इसका मतलब डिफेंडेंट अपनी जो साइड है वो प्रेजेंट करता है रिटन स्टेटमेंट में. एक्स पार्टे का मतलब होता है एक पार्टी की एब्सेंस है और दूसरी पार्टी प्रेजेंट है. तो तभी मैंने कहा कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट नहीं जाएगा जिसने केस फाइल किया था, तो आप खुद सोचो कोर्ट क्या करेगा. बिना बात डिफेंडेंट को पनिश थोड़ी कर देगा, पनिश इन द सेंस उसको बार बार बुलाता थोड़ी रहेगा. तो वहां पर केस डिसमिस कर दिया जाएगा. और यदि डिफेंडेंट आया लेकिन प्लेंटिफ नहीं आया तो उस केस में, सॉरी, डिफेंडेंट नहीं आया पर प्लेंटिफ आया, तो उस केस में एक्स पार्टे डिक्री हो जाएगी. एक्स पार्टे डिक्री का मतलब एक पार्टी की एब्सेंस में जो पार्टी प्रेजेंट है उसके फेवर में डिसीजन आना. दिस इज एक्स पार्टे, राइट. अब लेट्स अज्यूम कि दोनों पार्टीज आ गई, ठीक है. तो एट स्टेप में हम ये अज्यूम करते हैं कि ए और बी दोनों ही कोर्ट पहुंच गई हैं, ठीक है. तो अब क्या होगा? अब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा. सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर ए जो प्लेंटिफ है वो कहेगा, जज साहब मेरे और बी के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसका इसने ब्रीच किया. ए ने तो अपनी प्लेंट में ये दो फैक्ट्स बताए हैं, लेकिन बी ने अपनी WS में कहा जज साहब कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो ब्रीच कहाँ से हो सकता है. तो इसका मतलब कि दोनों पार्टीज के बीच में जो एक एलिज कर रहा है और दूसरा डिनाई कर रहा है, तो वहां पर होते हैं इश्यूज सेटल. तो कोर्ट पता है क्या इश्यूज फ्रेम करेगा? पहला इश्यू होगा कि भाई इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं, पहले तो ये देखा जाए. और दूसरा, इन दोनों के बीच में अगर तो कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या उसका ब्रीच बी ने करा है. तो ये होते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का मतलब कि जो मुद्दा लेकर, जो डिस्प्यूट लेकर पार्टीज कोर्ट आई है ना, उन्हें जरा पहले सेटल किया जाए, तभी तो कोर्ट बताएगा कि आपको. अब देखो, अब यहाँ एविडेंस का पार्ट शुरू हो गया कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करते ही अब आपको एविडेंसेस लेकर आने हैं. कि आपको एविडेंसेस लाने होंगे, कैसे? आप एविडेंसेस लेकर आएंगे. ए लेकर आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट था, बी लेकर आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ए एविडेंसेस लाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, बी एविडेंस लेकर आएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो ब्रीच का सवाल नहीं उठता, राइट. तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेज, एट्थ स्टेज. अब आ जाइए नाइन्थ स्टेज पर. जब इश्यू सेटल हो गए, तो हो सकता है कि भाई इश्यू सेटल होने के बाद ना पार्टीज ये कहें कि चलो यार खत्म करो,
तो अब यहाँ पर बिना सेटलमेंट हुए भी हम क्या करेंगे, डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। तो जब डिफेंडेंट ने कोर्ट में आकर मान ही लिया कि हाँ जज साहब मेरी गलती है, सो वेन ही इज एडमिटिंग हिज फॉल्ट, तो आपको सेटलमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग जब होती है ना, डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग, वो डेल्ट है ऑर्डर 15 एंड ऑर्डर 12 में, क्योंकि ऑर्डर 12 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 12 में लिखा हुआ है एडमिशंस, ऑर्डर 15 में लिखा हुआ है डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग। तो आप ऐसे समझो कि अगर ए और बी दोनों ही, ए ने केस फाइल करा और बी ने कोर्ट में जाकर कहा हाँ जज साहब जो ए कह रहा है ना सही कह रहा है, आई विल गिव हिम वॉट एवर ही वॉन्ट्स, तो यहाँ तो केस ही खत्म हो गया, यहाँ ना इश्यूज फ्रेम करने की जरूरत पड़ी ना कुछ, ना एविडेंसेस की। तो बी ने यहाँ पर एडमिट कर लिया अंडर ऑर्डर 12, और यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर 15 में मैटर को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया प्लेंटिफ के फेवर में। राइट, क्लियर हुआ? अच्छा, एक्स पार्टे नहीं समझ में आया। एक्स पार्टे का मतलब होता है वन पार्टी इज एब्सेंट एंड वन पार्टी इज प्रेजेंट। तो एक्स पार्टे डिक्री का मतलब है, बिकॉज वी हैव नॉट डेल्ट विद द टर्म डिक्री, इसीलिए मैंने डिक्री वर्ड अभी कहा नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, द मीटिंग विल एंड इन अनदर 2 मिनट्स, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल एंड द मीटिंग एंड यू पीपल प्लीज रीजॉइन ऑन द सेम लिंक। ओके, अब डिस्पोजल होने के बाद 10th स्टेप क्या होगा? 10th स्टेप, या तो डिस्पोजल नहीं हुआ और केस अब आगे चल रहा है, तो जब केस चलेगा, एविडेंसेस लिए जाएंगे, तो कोर्ट क्या देगी? जजमेंट देगी और उसमें डिक्री देगी। आपको एक बात बता दूं कि हम जब सिविल केसेस डिस्कस करते हैं ना, तो सिविल केसेस में हम जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, ये 3 टर्म्स पढ़ते हैं, लेकिन जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, जैसे आप आईपीसी पढ़ रहे हो, तो वहाँ जजमेंट और ऑर्डर यूज़ किया जाता है, डिक्री टर्म क्रिमिनल केसेस में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, अब जजमेंट और डिक्री आने के बाद क्या होगा? लास्ट स्टेज, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जिसके फेवर में डिसीजन आया है वो क्या होगा, अब उसके फेवर में उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि नाउ ही विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द डिक्री। सो दीज आर द 11 11 स्टेप्स जिसमें आपका पूरा सीपीसी एक तरीके से सिमट गया, क्योंकि देखो एग्जीक्यूशन जो है वो ऑर्डर 21 में है, टू बी रेड विद सेक्शन 36 टू सेक्शन 74। जब हम जजमेंट एंड डिक्री की बात करते हैं, दिस इज इन ऑर्डर 20, राइट? तो देखो मैं आपको ना एक तरीके से एक पूरे सीपीसी की फील हो गई आपको कि सीपीसी में जब केस शुरू होगा तो एंड कहाँ पर होगा? एग्जीक्यूशन पर, राइट? और जितने बाकी ऑर्डर सेक्शंस जितने भी बचे हैं ना, वो सारे हम इधर उधर एडजस्ट करते रहेंगे बीच में, राइट? इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए क्योंकि क्लास एंड होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू रीजॉइन। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, आई विल रिपीट इट। रितु, आप मुझे बताना एक बारी। एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलो लेट्स रीजॉइन द क्लास। ठीक है, लेट्स कम बैक।